आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर कोरोना की चपेट में आने की दी जानकारी। कल देहरादून में की थी रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, कल बिजली से जुड़ी 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आगाज। अखिलेश यादव का 2 दिन का अयोध्या दौरा, 8-9 जनवरी को अयोध्या में रहेंगे अखिलेश। विधानसभा चुनावों पर कोरोना का फिर छाया साया। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों को लिखा पत्र। तीसरी लहर में घर पर संक्रमितों की निगरानी बन सकती है चुनौती। दूसरी लहर से 3-4 गुना से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश प्रदेश में फिर एक बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। साथ ही देश प्रदेश में लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है कोरोना। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 केस मिले हैं और एक्टिव केस बढ़कर 1.71 लाख पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में नोएडा में 117 मामले मिले हैं और लखनऊ के लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,725 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में बच्चों के वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसके लिए स्कूल कॉलेज में कैंप भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो चुकी है। साथ ही कोरोना के खिलाफ सारी तैयारियों के दावे भी कर रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, एक बार फिर चुनावी समय भी है और कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार का ये जो कोविड है, कुछ जानकारों का ये कहना है कि दूसरी लहर की स्पीड थी उससे भी ज्यादा तेज स्पीड है इस बार उत्तर प्रदेश में कोविड की, और लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 10 दिनों में ये जो आंकड़ा है ये 15% तक बढ़ा है, 15 गुना बढ़ गया है ये आंकड़ा। देखा जाए तो प्रदेश में जो मंगलवार की स्थिति थी उसमें बताया गया है कि 572 नए मामले आए हैं और सोमवार को इसका जो आंकड़ा था वो 552 था। मतलब एक दिन में ही 20 मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में लगातार चुनावी मौसम भी है और चुनावी मौसम में जो कोविड का प्रकोप है, जो कोविड के मरीजों की संख्या है शिखा, वो बढ़ती जा रही है। एक और चीज अहम बात है कि आम जो जनता है वो आजकल रैलियों की तरफ बड़ा लुभाई हुई है और लगातार रैलियों में जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो गई हो या बीजेपी की हो या फिर केजरीवाल की हो। और केजरीवाल की रैली में जो गया होगा वो इस वक्त थोड़ा परेशान जरूर होगा, क्योंकि 2 तारीख को राजधानी लखनऊ में अरविंद केजरीवाल आए थे और बड़े पैमाने पर जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनसे मुलाकात हुई थी उनकी। और अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोविड ग्रसित हो गए हैं, कोविड हो गया है उनको। तो ऐसे में अब उन लोगों की भी सांस फूल ली होगी जो उस रैली में गए होंगे, और शायद अब आगे से कुछ लोग जो ऐसे हैं जो रैली में जाने की सोच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है। और इसका कहीं ना कहीं कारण अगर देखा जाए तो पब्लिक गैदरिंग सबसे अहम है, जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग रैलियों में जा रहे हैं। और बीते दिनों देखा गया कि नए साल का जो जश्न भी लोगों ने मिलजुल कर मनाया है, कोई प्रोटोकॉल का कोई भी पालन नहीं करना है। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब लोगों को थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है। जी, तो नितिन, हम ये कह सकते हैं कि लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, जो डर था कोरोना का वो खत्म हो गया है, इसी वजह से लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि न मास्क का उपयोग करें, न सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके बाद चुनावी माहौल भी है, लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। हमने वैक्सीन तो ले ली है लेकिन जो कोरोना संक्रमण है वो अभी भी कितना भयावह है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जो सिम्टम्स हैं कोरोना के इस बार के, वो सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जो जाड़े में आम जनमानस को हो ही जाते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो ठंडक है, जो कोहरा है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हैं और आजमगढ़ अभी हमने
क्रॉस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरे एक्सप्रेस वे पर सिर्फ घना कोहरा है और कोहरे में लोगों को अक्सर थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, जो नेजल की समस्या है, वो सारी समस्याएं होती है। और इस बार का ये जो कोविड है, इस कोविड में भी इसी तरह के जो सिम्टम्स हैं वो लोगों को हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद आम खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो सतर्क हैं वो टेस्ट करवा ले रहे हैं और उनको पता चल जा रहा है कि कोविड हो गया। कल सहारा अस्पताल में डीएम लखनऊ के जो है उन्होंने एक टेस्ट करवाया था और वहां पर पता चला कि 40 से ज्यादा ऐसे स्टाफ वाले जो हैं वो कोविड ग्रसित हैं। तो ये जो सिम्टम का मामला है ये भी कहीं ना कहीं समस्या जो है वो पैदा कर रहा है। और लापरवाही की बात करी जाए तो लोगों को लग रहा है कि शायद आम खांसी जुकाम बुखार हुआ है, थ्रोट का इंफेक्शन आम है, नेजल इंफेक्शन आम है और मौसम की वजह से ही हुआ है और वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे और ऐसी वजह से ही जो स्प्रेड है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और कोविड की स्पीड भी बढ़ रही है। जी, तो जिस तरह से वीवीआईपी जो कि काफी सतर्क नजर आते हैं वो भी अब ग्रसित हो रहे कोरोना से, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि रैलियों का समय है, चुनावी दौर है उत्तर प्रदेश में और पहला जो विकेट है वो केजरीवाल का गिरा है। केजरीवाल कोविड ग्रसित हो गए हैं। परसों उन्होंने रैली की थी, रैली के बाद आज उन्होंने ट्वीट किया, कल वो देहरादून भी गए थे और आज उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो कोविड ग्रसित हो गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की जो पत्नी है और उनकी बेटी भी कोविड ग्रसित हो गई थी, उन लोगों ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अखिलेश यादव ने फिर अपना टेस्ट कराया था, हालांकि अखिलेश यादव पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अभी क्वारंटीन है, वो अपना इलाज जो है वो अपना घर में करवा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जितने भी अब नेता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में भी कोविड को नजरअंदाज करके अगर रैलियां करते रहेंगे तो कोविड का जो संक्रमण है वो बढ़ता जाएगा और नेताओं को भी, वीवीआईपी को भी ये संक्रमण छोड़ेगा नहीं। जैसा कि बीती लहरों में देखा है कि कई बड़े नाम जो है वो इस वक्त धरती पर नहीं है क्योंकि कोविड ने उन्हें लीड लिया था। तो इस बार थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है। जी नितिन, जिस तरह से कोरोना पे पैर पसार रहा है और बच्चों पे इसका कितना खतरा है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बच्चों का कल ही से शुरू हुआ है और अभी एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, तो कितना खतरा है बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों पे खतरा बहुत ज्यादा है, हालांकि उनके वैक्सीनेशन का जो स्टार्ट है वो शुरू हो गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल गए थे, बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो एल्डर्स हैं या फिर जो ठीक ठाक उम्र वाले लोग हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी उन्हें कोविड हुआ था, तो ऐसा ये कह जाना आसान नहीं होगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद कोविड नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर डोज भी लगनी है और जो इम्यून है वो कितनी जल्दी स्ट्रांग होगा, कोविड से कितनी जल्दी बच्चे लड़ पाएंगे, ये तो वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन जो कोविड का प्रोटोकॉल है अगर वो पालन सही तरीके से किया जाए तो शायद कोविड से बचा जा सकता है, जिसमें मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, लोगों को गैदरिंग से दूर होना चाहिए, भीड़भाड़ में ना जाएं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो देश में कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है, 24 घंटे में एक बार फिर डराने वाले मामले सामने आए हैं, वो चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, चुनावी माहौल भी है, रैलियां देखने को मिल रही है और कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डरा रहे हैं। तो सभी के लिए खतरा बना हुआ नजर आ रहा है कोरोना, क्योंकि इस बार जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक कोरोना हो रहा है, लोगों को लक्षण पता नहीं चल रहे हैं लेकिन लोग संक्रमित तो हो जा रहे हैं। तो एक ये भी डर है कि लोगों को कोरोना हो जाएगा और उसका स्प्रेड भी होगा लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या फिर वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए ये खतरा साबित हो सकता है। हालांकि पहले के मुकाबले अब खतरा कम है क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं उनके लिए अभी भी खतरा है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क का उपयोग करने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की जरूरत है ताकि हम कोरोना को हरा सके, क्योंकि कोरोना को हराना है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और जिस तरह से देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव है और उसको देखते हुए सभी पर्व मनाने में व्यस्त हैं, लेकिन जो कोरोना है उसको हराने के बारे में लोग भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। जो एक डर था हम लोगों के बीच से वो खत्म हो चुका है, हम डरा नहीं रहे, लेकिन डर होना भी जरूरी है क्योंकि जब इंसान डरता है तो सतर्क रहता है, सावधान रहता है और कोरोना से बचाव के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सावधान रहना जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है लेकिन सावधानी जरूरी है। जो व्यवहार है कोरोना से बचने का उसका पालन करना काफी जरूरी है।
देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है, जिसके लिए स्कूल कॉलेज में कैंप लगाए गए हैं। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि रात 8 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले दिन कोरोना का टीका लिया है। देश में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है और बच्चों का हौसला बढ़ाया है। तो बच्चे भी अब इस युद्ध में योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं खुद की सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और ये वैक्सीन लेना काफी जरूरी है, जिसका ध्यान है बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आज दूसरा दिन है, लेकिन कल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले भी हैं और एक गर्व करने वाले भी हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं, कल के भविष्य हैं, वो काफी जागरूक हैं। 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगा है पहले दिन, पहली डोज ली है बच्चों ने, 15 से 18 साल के बच्चों ने। और अब जो कि हम कल इससे चर्चा भी कर रहे थे कि जब बच्चों की बात है, 15 से 18 साल के बच्चों की बात है, तो क्या उनके लिए स्कूल में कैंप लगाए जाएंगे, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे इस वर्ग के बच्चे मौजूद रहते बड़ी संख्या में और आसानी से वैक्सीनेट करने में मदद भी मिलेगी सभी को। तो स्कूलों में अब कैंप लगाए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में, जहां 15 से 18 साल के बच्चे मौजूद हैं। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, हम कल इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि क्या स्कूल कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाना चाहिए और अब वैक्सीनेशन कैंप स्कूलों में भी कॉलेज में लगाया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर विभांशु? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और पहले दिन 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगा है देश में। ये बड़ी उपलब्धि है देश की, जो कल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहले दिन ही इतना बड़ा जो टारगेट था उसे अचीव किया गया है और देश जल्द ही वैक्सीनेट हो जाएगा। और बात करें एक और बूस्टर डोज की, तो वो भी जल्द ही अब मिलना शुरू हो जाएगी बुजुर्गों को, कोरोना वॉरियर्स को। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे और कोरोना से लड़ाई में जो अपना योगदान है वो देंगे। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेट होना ही काफी नहीं है, हमें जागरूक रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेट होने के बाद जो कोरोना है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो उसके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा तो अभी भी है, उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है जिन लोगों को या तो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है या जिन्हें अभी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए अभी भी खतरा है कोरोना। तो उन लोगों को बचाने के लिए सभी का वैक्सीनेट होना, साथ ही सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में बच्चे आते हैं, क्योंकि बड़े तो वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा था और वो भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ चल रहा है, अभी सब सुचारू रूप से चल रहा है। तो उस सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए और कोरोना को हराने के लिए इनका भी वैक्सीनेट होना काफी जरूरी था, ताकि ये इनके ऊपर कोरोना का खतरा ना रहे और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सुरक्षित रहे। क्योंकि जब एक परिवार में सब रहते हैं तो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो सब एक ही साथ रहते, तो कोरोना का खतरा बना रहता है। इसलिए सभी का वैक्सीनेट होना जरूरी है और एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है युवाओं ने। और इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से 40 लाख बच्चों को पहले ही दिन कोरोना का टीका मिला है, बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि कल से जो बच्चों का वैक्सीन है, जो 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन है, उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले ही दिन 40 लाख कोरोना के टीके लगा दिए गए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो 1,60,00,000 बच्चे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हफ्ते दिन में 15 से 18 साल के बच्चों का टीका हो सकता है, अगर डॉक्टर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो सक्रियता से काम करे, तेजी से काम करे, तो हफ्ते दिन में इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ में बलरामपुर और सिविल अस्पताल के अंदर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 24 घंटे वैक्सीन लगाए जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे सिखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में अब तक पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा अगर टीका लगाने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जी, और जिस तरह से 54 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए भाग ले रहे बच्चे, क्या कहेंगे? काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और जागरूक भी।
जी अभी अभी लगभग स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं ठंडियों को लेकर, तो खास तौर पे बच्चों का वहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि महज एक महीने के अंदर अगर देखें तो सभी बच्चों को टीका लग जाएगा। स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे खास तौर पे वहां जा रहे हैं, और ये बच्चों की काफी सुरक्षा की बात होगी कि जब तक इनकी छुट्टियां खत्म हो तब तक उनका कोरोना का टीका लग गया होगा। और आपको बता दें कि कल घोषणा भी कर दी गई है जिसमें 10 तारीख से बूस्टर डोज भी सभी को लगाए जाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी की जाएगी। जिनको जिनका कोविड का जो दूसरा टीका लग चुका है वो नॉर्मल तरीके से इस टीका को लगवा सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। 54 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पहले दिन। 40 लाख बच्चों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है, बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बच्चे बढ़ चढ़ कर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।